आज ठीक एक महीना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने, आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो इस एक महीने में क्या हुआ? इस एक महीने में जम्मू कश्मीर में एक नहीं दो नहीं चार आतंकी मुठभेड़ों में 8 हमारे जाबाज और 10 हमारे लोग शहीद हो गए। जो बात करते थे आतंकवाद को कब्जे में करने की, श्रद्धालु अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है। इस एक महीने में जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सोचा था कि पिछली बार बालासोर के हादसे से कुछ सीखेंगे, नील बटा सन्नाटा सीखा गया, जलपाईगुड़ी में फिर 40-45 लोग मर गए। इस एक महीने में पेपर लीक की तो मानो आपदा आ गई हो, महामारी आ गई हो। इस एक महीने में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, फिर सीएसआईआर नेट स्थगित करना पड़ा, नीट की पीजी स्थगित करनी पड़ी। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉ का एग्जाम नहीं करा पा रहा है, पेपर लीक की महामारी है। मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। इस एक महीने में दाल का, आटे का, दही का, सबका दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, टोल टैक्स का दाम बढ़ा। इस एक महीने में देश ने रुपए को निरंतर लुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो। जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई। इस एक महीने में बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से आप जूझिए, पेपर लीक की महामारी से आपके बच्चे जूझे, बेरोजगारी से इस देश का युवा जूझे, हिंसा और नफरत से मणिपुर जूझे, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो मॉस्को में है और मॉस्को में वो ज्ञान दे रहे हैं, मॉस्को में वो बता रहे हैं कि 3 साल में तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले हैं। आतंक आपसे रुक नहीं रहा है, आतंकवादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपया को आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करने क्या आए हैं? ये अलग बात है कि रिचार्ज भी अब इतना महंगा हो गया है कि रील देखना भी दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये है एक महीने के मोदी सरकार का फलसफा। आज ठीक एक महीना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने, आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो इस एक महीने में क्या हुआ? इस एक महीने में जम्मू कश्मीर में एक नहीं दो नहीं चार आतंकी मुठभेड़ों में 8 हमारे जाबाज और 10 हमारे लोग शहीद हो गए। जो बात करते थे आतंकवाद को कब्जे में करने की, श्रद्धालु अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है। इस एक महीने में जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सोचा था कि पिछली बार बालासोर के हादसे से कुछ सीखेंगे, नील बटा सन्नाटा सीखा गया, जलपाईगुड़ी में फिर 40-45 लोग मर गए। इस एक महीने में पेपर लीक की तो मानो आपदा आ गई हो, महामारी आ गई हो। इस एक महीने में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, फिर सीएसआईआर नेट स्थगित करना पड़ा, नीट की पीजी स्थगित करनी पड़ी। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉ का एग्जाम नहीं करा पा रहा है, पेपर लीक की महामारी है, मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। इस एक महीने में दाल का, आटे का, दही का, सबका दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, टोल टैक्स का दाम बढ़ा। इस एक महीने में देश ने रुपए को निरंतर लुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो। जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई। इस एक महीने में बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से आप जूझिए, पेपर लीक की महामारी से आपके बच्चे जूझे, बेरोजगारी से इस देश का युवा जूझे, हिंसा और नफरत से मणिपुर जूझे, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो मॉस्को में है और मॉस्को में वो ज्ञान दे रहे हैं, मॉस्को में वो बता रहे हैं कि 3 साल में तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले हैं। आतंक आपसे रुक नहीं रहा है, आतंकवादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपया को आप मजबूत नहीं कर पा रहे, तो आप करने क्या आए हैं? ये अलग बात है कि रिचार्ज भी अब इतना महंगा हो गया है कि रील देखना भी दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये है एक महीने के मोदी सरकार का फलसफा।